गाइस, अगर आप भी गर्मी के मौसम में या बारिशों के मौसम में अपनी स्किन जो काली पड़ती जा रही है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, या आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा सनबर्न हो चुका है, पिगमेंटेशन हो चुकी है, डार्क स्पॉट्स हैं, या आपकी उम्र छोटी है और समय से पहले बुढ़ापा यानी फाइन लाइन्स, रिंकल्स आपके फेस पर दिखने लगे हैं, आपके फेस में जान नहीं रही, अगर इनमें से कोई भी समस्या या फिर सारी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, तो आज का मेरा एक वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। और ट्रस्ट मी, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि इसका हाथों हाथ रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, फॉलो करिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं अपनी वीडियो में जब भी कोई इंग्रेडिएंट बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं और आप उसको इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए और आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और ढेर सारा प्यार देने के लिए भर भर के कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए बढ़ते है वीडियो की तरफ। देखिए, आज इस फेस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक खाली बाउल लेना है कांच का, उसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच ग्लिसरीन। ये आज का मेरा रेमेडी, आपकी स्किन अगर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या फिर ड्राई है, आपकी स्किन कोई भी टाइप है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो भी आप इस रेमेडी को लगा सकते हैं, या आपकी उम्र 60 साल की है तो भी। ग्लिसरीन क्या करता है, ग्लिसरीन आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लेकर आता है। जो हम लड़कियां फेक हाइलाइटर लगाते हैं ना अपनी स्किन को हाईलाइट करने के लिए, अगर आप ये यूज करेंगे तो नेचुरली आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और ड्यूई इफेक्ट दिखने लगा है। मतलब आपको आर्टिफिशियल हाइलाइटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फाइन लाइन रिंकल्स को ये दूर करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, फर्म करता है। अब इसमें अपना दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, लेमन। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं, आप इसमें यूज मत करिए लेमन। लेमन मैं इसलिए ऐड करवा रही हूँ ताकि आपके जो फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है, सनबर्न है, लेमन जो है नेचुरल तरीके से उसको दूर करेगा और हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करता है, हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन करके ब्राइटन करने का काम करता है। अब इसमें हम तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, 2 चम्मच रोज वाटर। रोज वाटर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और थोड़ी सी ग्लिसरीन जो है उसकी चिपचिपाहट को भी कम करेगा, तो आपको लगाने के बाद थोड़ी इरिटेशन फील नहीं होगी और आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है रोज वाटर। फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारा इसमें 1/4 स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल या तो आप प्लांट वाला ले लीजिए या आपके पास जो भी अवेलेबल है मार्केट वाला वो भी इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स करिए, एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल दीजिए। आप इसको 2 से 3 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं, 3 डेज के बाद आपको दोबारा से फ्रेश बनाना है और फ्रेश इस्तेमाल करना है। सबसे मेन चीज, अगर आप अपने फेस पे ग्लो चाहते हैं और ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको रूटीन बनाना है। जैसे आपका खाना खाने का रूटीन है, लंच का, डिनर का, पानी पीने का रूटीन है, वैसे ही आपको स्किन के लिए भी रूटीन बनाना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, 2-4 दिन फॉलो करते हैं, 5वें दिन से दोबारा आलस करने लगते हैं या फिर उसकी जगह कुछ और लगा लेते हैं, सोचते हैं आज एक ही दिन तो मिस किया, तो वो रूटीन तुम्हारा टूट जाता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि रूटीन बनाना है, चाहे तो आप मॉर्निंग में लगाएं, मॉर्निंग में अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो उससे बेटर है कि रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से धो लें, उसके बाद इसको लगाएं और 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से फेस धोकर अपना कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ये आपकी स्किन को ऑलरेडी हाइड्रेट कर देगा, उसके बाद आराम से सो जाएं। जैसे आपकी जिंदगी में आज सांस लेना बहुत जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उस तरीके से सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। तो मुझे कमेंट करो कि आप में से कौन सी गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जो बहुत तरह के फेस पैक तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन सनस्क्रीन इस्तेमाल करना भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन लोग इतना लेजी हैं और सनस्क्रीन को इतना लाइटली लेते हैं। सनस्क्रीन आपने मिस नहीं करना क्योंकि जब भी हम कोई रेमेडी लगाते हैं वो हमारी स्किन पर तभी असर करेगी जो हम सनस्क्रीन लगाएंगे। चाहे आप घर पर हो, चाहे आप बाहर हो, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है क्योंकि आपके घर पे भी हल्की बहुत धूप आती है, वो भी आपकी स्किन को डैमेज कर देती है और हमारे मोबाइल और टीवी फोन से निकलने वाली जो रेज होती है वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो सनस्क्रीन आपने जरूर लगाना है। टिप नंबर 2 है कि आपने अब पूरे दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। 2 लीटर की बोतल अपने पास रखिए, अपने बेड के पास या कहीं भी रखिए, उसको जरूर आपने पीना है। उसके बाद जैसे ही 2 लीटर की बोतल खत्म हो जाए आपको उसको रिफिल करना है, दोबारा से उसको पीना है ताकि आपको रेशो पता हो कि आपने इतना पानी पी लिया है। तीसरी चीज, आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म करना है। जो स्ट्रेस होता है ना, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, पेरेंट्स का स्ट्रेस हो, हस्बैंड का स्ट्रेस हो, वाइफ का स्ट्रेस हो, कुछ भी स्ट्रेस हो, ऑफिशियली स्ट्रेस हो, लेकिन वो हमारी स्किन पे सबसे पहले डलनेस लेकर आता है और एजिंग लेकर आता है। तो हमें अपने आप को उस पे हावी नहीं होने देना, ठीक है। तो आप खुश रहें हर हाल में, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, लिमिटेड फ्रेंड्स बनाएं लेकिन अच्छे बनाएं, और ऐसे ही अपना बहुत सारा ध्यान रखें। किस किस ने ये रेमेडी इस्तेमाल करा, क्या रिजल्ट रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।